ऑयल देखिए कितना जल गया पूरा ये। एक्चुअली क्या होता बोलता, ये जो जितने भी आजकल जो BS6 गाड़ियां हैं इसके अंदर ऑयल की कैपेसिटी बहुत कम है, आप याद रखिए बात। ये गाड़ियों गाड़ी को कौन सा ऑयल डाल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, कब चेंज करा रहे ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आप। क्योंकि अच्छा कितना भी महंगा ऑयल डालो, अगर आप टाइम पे ऑयल अगर नहीं चेंज करा रहे तो ऑयल बेकार है। अगर आप कम वाला सस्ता भी ऑयल डालाइए लेकिन टाइम पे ऑयल चेंज कराइए। हेलो दोस्तों, हमारे पास है ये एक्टिवा 6G गाड़ी जो जनरल सर्विसिंग के लिए, ठीक है। अभी हम इसको खोलेंगे, इसका जो डिक्की का जो बॉनट है ना ये खोलेंगे पहले इसको, क्योंकि वॉश ऊपर से नहीं करा सकते। अगर वॉश कराना है तो कंप्लीट पूरा खोल के वॉश कराना है। फटाफट खोल बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोल्ट है, यहाँ पर एक बोल्ट, यहाँ पर एक बोल्ट, और यहाँ पे दो लॉक रहते हैं। लॉक कैसा निकालना है वो तो इसको बस प्रेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रेस कर देना है, इसके बाद में सीधा ऐसा निकालने से निकल जाता है। क्योंकि ज़्यादा अगर इसको कोशिश करेंगे तो टूट जाता हो तो, ठीक है। ये हो गया, निकाल दें। 10 KD दे बेटा, 10 KD। जल्दी लॉक के बोल्ट खोल, जल्दी ये लॉक पट्टी के दोनों बोल्ट खोले तो उसके बाद में उड़ जाता है। और ये लॉक पट्टी के दोनों बोल्ट खोले था, यहाँ पे छोटा सा 10 का बोल्ट आता है जहाँ पे इसका जो हैंगर है दोनों, यहाँ पे आता हैंगर जो अपन कैरी बैग लगा सकते हैं, सब कुछ भी ये भी खोलना जरूरी है। बाद में यहाँ पे एक छोटा सा 8 नंबर का स्क्रू आता, ये भी खोलना जरूरी है। इसके बाद आप बैग उठा दे सकते, ठीक है। आप देख सकते अंदर पूरी धूल भुट्टी रखी हुई है, तो ये क्लीन करना बहुत जरूरी है। और एक्टिवा 6G पे यहाँ पर एक छोटा सा एडलिंग स्क्रू दिया, यानी आपकी गाड़ी स्लो फास्ट कर सकते है। इसके अटके BS6 जितने भी गाड़ियां जो आ रहे ना किसी को ऑप्शन नहीं है, बस एक्टिवा 6G के अंदर दिया है। तभी अपन गाड़ी वॉश करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका ऑयल चेंज, एयर फिल्टर क्या है अपन देखेंगे। तो देख सकते हैं अपन गाड़ी वॉशिंग के लिए लेके आए, अभी अपन गाड़ी वॉश कराने वाले हैं, ठीक है। पानी का प्रेशर जितना अच्छा रहा गाड़ी का मैला उतना साफ निकलता, क्योंकि पानी के प्रेशर पर डिपेंड रहता कि आपकी गाड़ी कितनी उतना साफ हो रही है।
राइट। तो देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी पूरी एकदम नई हो गई गाड़ी पूरी, क्योंकि प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहता पानी के कि आपकी गाड़ी कितनी अच्छा वॉश सर्विस हो सकती है। अब याद रखिए जब भी आप BS6 मॉडल जो भी गाड़ी को वॉश करा रहे तो बिना एयर मारे आप गाड़ी मत निकालिए। तो अभी गाड़ी वॉश हो गई, तो अभी आपको चेक करना है इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर। अगर गियर ऑयल अगर लास्ट टाइम अगर नया डाले तो ये बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब वो ऑयल तो कंपलसरी डालना है। एयर फिल्टर भी चेक कर लेंगे, अगर अच्छा है तो उसको क्लीन लगा देना है, बस ऑयल तो कंपलसरी डालना है। तो ऐसा डालेंगे और कौन सा ऑयल डालेंगे मैं आपको बता दूं। अभी ऑयल का बोल्ट खुल गया, अपन यहां से इसको ऑयल निकालना है। चल गाड़ी रख बेटा, थोड़ा गाड़ी रखो। आप देख सकते हैं ऑयल पूरा जल गया। एक्चुअली गाड़ी ये 2500 किलोमीटर चल गई है, एक्चुअली चेंज करना है इसको CSE का 1800 से 2000 के अंदर, लेकिन 2500 चली तो उसका हालत देखो कैसी रहती। ऑयल है था सिर्फ 300-350 का, लेकिन इससे क्या होता है जब ऑयल जल जाता ना तो आपकी इंजन के ऊपर इफेक्ट गिरती। अब जो नया ऑयल डालते ना अपन, वो ऑयल और जल्दी ख़राब रहता। तो याद रखिए कभी भी आप ऑयल की जो टाइमिंग डेट रहती ना वो किलोमीटर से पहले आप ऑयल चेंज करा लीजिए। देख सकते हैं ऑयल पूरा निकल गया, ठीक है। अब ऑयल देखिए कितना जल गया पूरा ये। एक्चुअली क्या होता बोलता है, ये जो जितने भी आजकल जो BS6 गाड़ियां हैं इसके अंदर ऑयल की कैपेसिटी बहुत कम है। आप याद रखिए बात, ये गाड़ियों को 650 से ज़्यादा नहीं आता। तो आप जब भी पहले गाड़ियां क्या है 800 ml 900 ml एक्टिवा को अपन डालते थे ऑयल, मगर अब ये गाड़ियों को 650 ml डालने का है। तो आप ये 2000 के अंदर ही कराइए सर्विस या तो ऑयल, अगर सर्विस नहीं भी करा रहे आप लेकिन ऑयल कंपलसरी आपको 2000 के अंदर ही डलाना है, क्योंकि ये तो 650 ml है, बहुत कम में ऑयल है। इतना ऑयल आपको सपोर्ट नहीं करता इंजन को। अब वो शोरूम वाला आप क्या हिसाब से दे रहा कि, क्योंकि ऑयल की कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। आप सोचो अगर 650 ml ऑयल है तो उसके अंदर ऑयल कितना इस्तेमाल होता होगा और कितना निकलता होगा आप देखो इसके अंदर। आप अब ये नई गाड़ी है फिर भी इसमें इतना निकल जा रहा, अगर वही अगर गाड़ी पुरानी है तो ये भी नहीं निकलता। तो याद रखिए आप चाहे कैस्ट्रॉल डलाओ, मोतुल डलाओ, कोई भी कंपनी का ऑयल डलाओ, आप एग्जैक्टली 2000 के अंदर ऑयल चेंज करा दीजिए। अब इसका बोल्ट लगा देंगे अपन, ठीक है, बोल्ट लगा देंगे, क्योंकि अब गाड़ी को कौन सा ऑयल डाल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कब चेंज करा रहे ये इम्पोर्टेंट है याद रखिए आप। क्योंकि अच्छा कितना भी महंगा ऑयल डालो अगर आप टाइम पे ऑयल अगर नहीं चेंज करा रहे तो ऑयल बेकार है। अगर आप कम वाला सस्ता भी ऑयल डालाइए लेकिन टाइम पे ऑयल चेंज कराइए। कहाँ से डालते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले अपन ले लेंगे कटिंग प्लेयर, क्यों तो कटिंग प्लेयर से उसका ऑयल का गेज खोलने का रहता, ठीक है। उससे कटिंग प्लेयर ले लेंगे अपन, ऑयल का गेज है यहाँ पर, ठीक है। इसको इस तरह से घुमा देना है। अभी गाड़ी को ऑयल कितने में डालना है, क्योंकि बताओ पहले की जो गाड़ियां थे उसको 800 ml डाल सकते थे, 900 ml डाल सकते थे। अब ये गाड़ी को कितने में डालना है, क्योंकि उसके चंबर पे तो कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब एक्सेस 125 को उसके मैग्नेट कवर के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको 650 ml ऑयल डालना बोल के, लेकिन 6G को लिखा हुआ नहीं है। तो याद रखिए इसका जो ऑयल का गेज है ना, ये गेज के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये 55 L यानी ml, समझ गया आप, ये 55 यानी एमएल, यानी 600 ml ये गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल आता। आप 650 भी डाल सकते हैं, आप 650 डालने से क्या होता था, आप ऑयल की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ के रहती, आप थोड़ा आगे पीछे यानी एग्जैक्टली टाइम पे ऑयल नहीं चेंज कराए तो भी चल जाता, लेकिन 650 ml ऑयल डालिए इसके अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ऑयल डाल रहे हैं हम कैस्ट्रॉल का इसको, ठीक है, कैस्ट्रॉल का ऑयल डाल रहे हैं इसको अभी। अगर आप गाड़ी के अंदर ऑयल डालना चाह रहे हैं एक्टिवा 6G में तो याद रखिए 600 या 650 दोनों में से ऑयल डालिए आप, क्योंकि आपको 800 ml 900 ml दो ऑयल अवेलेबल मिल जाता आपको, ठीक है। 650 या 600 ml कंपलसरी डालना जरूरी है ऑयल की। देख सकते हैं ऑयल अभी हो गया, ठीक है। अब इसका अपन ऑयल का गेज लगा देंगे, रख दे बेटा एक मिनट, रख दे गाड़ी एक मिनट, रख दे। तो आप देख सकते 650 ml में कितना ऑयल कहां तक आया है, ये मैं भी लगा के बताता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा फुल हो गया 650 ml में, यानी आपको 600 ml डालना किसी भी हाल में जरूरी है।
लेकिन 500 ml 550 ml मत डालिए, एक 50 ml तो बढ़ के डालिए कंपलसरी इसको। चलिए अब नेक्स्ट सीधा गाड़ी को ऑयलिंग करेंगे, उसके बाद ऑयल फिल्टर चेक करेंगे गाड़ी का। तो अभी अपन चेक करेंगे गियर ऑयल अच्छा है या नहीं है, या अगर लेवल कम हो गया। आप देख सकते हैं इसका गियर ऑयल परफेक्ट है, इसका गियर ऑयल, क्योंकि जब एक बार अपन चेंज करते ना तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर एक दो सर्विसिंग के बाद ही। तो इसका गियर अच्छा है गियर ऑयल, तभी चेंज नहीं करेंगे अपन, ये तो अच्छी चीज़ है चेंज करना, क्योंकि जो लास्ट टाइम चेंज करा था मैं, अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम चेंज करना ज़रूरी है इसको। अभी इसको चेक करेंगे एयर फिल्टर अच्छा है या ख़राब। तो देख सकते हैं आप एयर फिल्टर अच्छा है, क्योंकि कभी भी अपन जब नया डालते ना तो एक से दो सर्विस के बाद चेंज करना जरूरी पड़ता, आपको फर्स्ट सर्विसिंग सेकंड सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अगर एक बार आप नया डाल रहे तो दो सर्विसिंग का आपको नया डालने का जरूरत पड़ता। तो अभी मैं इसको क्लीन करके लगा दूंगा कि अच्छा एयर फिल्टर है, बस थोड़ी धूल जम गई इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, अभी फिट करने वाला हूँ। और कई लोग ये कंफ्यूज में रहते कि अपन एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पे चेंज कराना, पहले का जो एयर फिल्टर रहता वो स्पंज का रहता तो उसको पेट्रोल से धो के लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो एयर फिल्टर है ये पूरे पेपर के ही, ये पेपर क्या होता बोलो, जितना इसमें ज्यादा डस्ट भर जाता ये उतना जल्दी खराब हो जाता। तो याद रखिए आपकी गाड़ी कहाँ चलती है इम्पोर्टेंट रहता, कितने किलोमीटर पे चेंज कराना ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी अगर आप अच्छा मेंटेन करने वाले हैं तो आप एवरी सर्विस पे एयर फिल्टर खुलाइए, साफ कराइए, अगर गया तो डाल दीजिए। अक्सर क्या होता बोलते कई लोग क्या है, तीन सर्विसिंग के बाद या तो मैं 5,000 या 10,000 किलोमीटर पर चला दे, ऐसा नहीं रहता। आपकी कंपलसरी आप हर सर्विसिंग में एयर फिल्टर साफ करिए, अगर वाकई खराब है तो चेंज कर दीजिए आप। हेलो दोस्तों, ये गाड़ी का अभी ऑयल चेंज हो गया, एयर फिल्टर क्लीन हो गया और गियर ऑयल भी अच्छा है, बस आप गाड़ी का बानेट कवर लगा देना है, ठीक है, बानेट बॉक्स लगा दिए बाद में। जितनी भी BS6 गाड़ियां आ रही है जो फ्यूल इंडक्टर के, कोई गाड़ी में एडलिंग स्लो फास्ट का स्क्रू नहीं है, लेकिन याद रखिए एक्टिवा 60 के अंदर एक स्क्रू है जो गाड़ी आप स्लो भी कर सकते हो फास्ट भी कर सकते हैं। अभी ये गाड़ी के अंदर एक ऑप्शन है, दूसरे जितनी भी गाड़ियां है ना, चाहे ब्रेकमैन है दो या एक्सेस 125 है दो, किसमें भी ये ऑप्शन नहीं है। तो ये एक्टिवा 6G में है, अगर आपकी एक्टिवा अगर थोड़ा फास्ट अगर स्लो करना है तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम उल्टा है, यानी इसको टाइट करो तो गाड़ी स्लो होती, खोले तो गाड़ी फास्ट होती, ठीक है ना। चलिए इसका बॉडी का जो हेलमेट बॉक्स है वो भी फिट हो गया, चलो गाड़ी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ नया यूट्यूब चैनल, तो अभी उतना परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह वीडियोस नहीं आएंगी मेरी, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि बेहतर वीडियोस आप तक बनाकर भेजूँ। थैंक यू।